हाय फ्रेंड, तो अभी देखेंगे यहाँ पे अभी एक मदरबोर्ड लैपटॉप आया है और ये एक डेल कंपनी का मदरबोर्ड है और इसका जो पार्ट नंबर है यहाँ पे देख सकते हो DAVM9NM B6DU। इसका जो रैप वर्सन है ये डी है, ठीक है। और पावर PWB जो है TDV94, ठीक है। तो इसमें जो बात आ रहा है ये स्विचिंग नहीं आ रहा है, एम्पियर वोल्टेज जो है ये सब कुछ सही ले रहा है लेकिन ट्रिगर नहीं बन रहा है इसका, ठीक है। तो इसका जो देखा कि 3-5 वोल्ट अगर है इस पर, यहाँ पे शॉर्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी आप लोगों के साथ चेक भी कराऊँगा कि 3-5 जो है इसका शॉर्टिंग है कि नहीं है। तो मैंने चेक किया, बोर्ड में कहीं पर भी शॉर्टिंग नहीं है, पूरा बोर्ड ओके कंडीशन में है लेकिन ये स्विचिंग नहीं आ रहा है। तो स्विचिंग होने के लिए आपको जो करना चाहिए बायस को चेक करना चाहिए, ठीक है। तो बायस तो ऐसे नहीं चेक करेंगे, टोटली बायस को प्रोग्राम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये 3-5 का कॉइल और इसमें कोई भी ग्राउंड से बीप नहीं कर रहा है और एम्पियर भी सही ले रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ये 3 का है, ये 5 का कॉइल है, ठीक है। 3 और 5 का कॉइल है और अभी देखेंगे कि मेन मॉस्फेट और सपोर्टिंग मॉस्फेट सही से वर्किंग कर रहा है कि नहीं है, शॉर्टिंग वगैरह है कि नहीं है। तो नॉर्मल यहाँ पे चेक किया तो देखिए ये 470 दे रहा है, सॉरी इसको उल्टा करके चेक करना पड़ेगा, इसमें दे रहा है 463। तो नॉर्मली जो ये है इसमें कोई भी शॉर्टिंग वगैरह नहीं है, इसमें जो ये यहाँ पे रजिस्टर को देखा कि पावर सीक्वेंस रजिस्टर भी कुछ नहीं आ रहा है, शॉर्टिंग वगैरह कुछ नहीं है। तो इसको पहले मैं इसको बायस को मैं प्रोग्राम करूँगा, बायस को प्रोग्राम करके इसको बैठाऊँगा और देखूँगा कि क्या दिक्कत आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसको बायस करके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। चलो जो बायस जो है यहाँ पे है बायस, तो इस बायस को हम प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम करके यहाँ पे बैठाएंगे और देखेंगे क्या दिक्कत आ रहा है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब किया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। चलो इसको बायस को प्रोग्राम करके बैठा के देखा जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो नॉर्मल जो बायस है, बायस को मैं अभी पूरा फिट कर दिया हूँ, यहाँ पे असेंबलिंग कर दिया हूँ और अभी जो करूँगा इसको मैं थोड़ा ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद ट्रिगर करूँगा, ट्रिगर होने के बाद क्या हो रहा है देखते हैं। देखो कि इसका जो बोर्ड है, बोर्ड को मैं स्विचिंग लगा दिया हूँ और यहाँ पे कीबोर्ड भी दिया हूँ अभी, और अभी कीबोर्ड से मैं डिस्प्ले को चेक करूँगा और मुझे लग रहा है कि ऑन हो गया है क्योंकि यहाँ पे देखिए लाइट ग्लो हो रहा है। और अभी इसको मैं ट्रिगर करूँगा, ट्रिगर किया लाइट फिर से आ गया, एम्पियर भी कंज्यूम कर रहा है और बोर्ड पे भी देखिए लाइट चला आ गया, ठीक है। तो 100% इसका जो बोर्ड है ये 100% रिपेयर हो गया है, इसका दिक्कत जो था इसका बायस का दिक्कत था, ठीक है। बायस प्रोग्राम करके इसका 100% सोल्यूशन हो गया। तो वॉचिंग करने के धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, टेक केयर।